4:30 बजे पीएस पहाड़ी शरीफ का में इतले में मिले थी। एक डेड बॉडी जलपल्ली वाटर टैंक के पास राक्स में एक पड़ा हुआ है, बोल के इतले में मिले तो हम लोग इधर आके चेक करे थे। इधर पूरा चेक करके उसको जो डेड बॉडी को पहचान लिया, उसको पूरे बॉडी पे पूरे चाकू के मारा है और मालूम पड़ा था उसका नाम वाहिद अली पहाड़ी मीर मोमिन पहाड़ी 9 नंबर की रहने वाला और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का रोडी शीटर बोल के पता चला था। और ये भी हम सोच रहे थे सम अननोन पर्सन इधर लेके आके उसको मार डाल के या फेंक के गए बोल के हमारे को पता चल रहे हैं। और हम लोग इसके ऊपर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साहब ये कब हुआ सब ये वारदात? अंदाजा से कल रात में हुआ बोल के हम सोच रहे हैं। कल रात की वारदात है लेकिन आज अपने को पता चला था। जी इसके बाद में आप लोग पूरी टीम यहाँ पर? हाँ जी। और कुछ सुराग मिला सब आसपास में कोई चीज का किसी चीज़? नहीं, उसे पता कुछ भी नहीं चला। पूरा इंक्वायरी करे थे और क्लूज टीम के साथ भी पूरा चेक करे, इंक्वायरी पूरा कर लिए थे, पूरा जांच करे लेकिन कुछ भी नहीं। सर ये राजेंद्र नगर के अलावा कोई और पीएस में भी इनके खिलाफ कुछ केस था जो पता कर लेना है? पता कर लेना, लेकिन राजेंद्र नगर का रोड शीटर बोल के पता चला था। और इससे पहले रोड शीटर बहादुरपुरा का था, वहां से ट्रांसफर होके राजेंद्र नगर में रह रहे हैं, पता चला। सैयद अहमद अली है सर, आज 5:30 बजे मेरे को पहाड़ी शरीफ पुलिस से फोन आया, तुम्हारे बच्चे का मर्डर हो गया। 9 नंबर पे रहते थे। आपके बच्चे का नाम? सैयद वाहिद अली है सर, मेरे बच्चे का नाम। 9 नंबर पे रहते थे, वहाँ से कोई आदमी बोल के लाया उनको, कल बुला के जो है वहाँ केक भी कटे हुआ है, ग्लास वो ये सब रखे हुए है वहाँ पे, 4-5 करता है पता नहीं, फिलहाल कल बुला के लाके उसको मार दिया सर। कौन कौन साथ में है पता नहीं, अभी क्या कर सकते हैं इंशाल्लाह। परसों से नहीं है सर, परसों आए थे मेरे पास, कल शाम में बुला के लाए घर से, कल शाम में बुला के लाके इतना बड़ा काम कर दिया बच्चे। आपके साथ ही रहते हो ना? नहीं, अलग रहते हैं, उनकी बीवी के साथ में रहते हैं, 9 मुस्लिम बच्ची है वो, तो 9 मुस्लिम 9 नंबर पर रहते हैं, उसके साथ में रहते थे। आपके बच्चे के ऊपर कुछ केसेस है? केसेस है सर, 2-3 केसेस है। फरकनुमा में काला पत्थर बहादुरपुर में रोडी शूट खुलाए थे, हमारे पड़ोसी दुश्मना जो है सोना खुलाए सो है, अब उन लोगों के नामा लेने से कोई फायदा नहीं है। अभी क्या है, इंक्वायरी करने से मालूम होता सही कौन है क्या है। वो आदिल बोल के लेके आया, बोल के 2-3 बच्चे पड़ोसियाँ बोल रहे हैं उसको, आगे अल्लाह की मर्जी क्या होता। भाई घर पर ही था सर, मैं घर पर था, घर पर रहे तो मेरे को जो है ना वाली शरीफ पी एस से फोन आया, तुम्हारे बच्चे का यहाँ जलपल्ली तालाब के पास मर्डर हो गया, बोल के क्या करेंगे पता नहीं सही क्या। 2 बच्चियां हैं, औरत बच्चियां हैं। अलग रहते थे उन्हों? अलग रहते थे उन्हों, 4 साल से अलग ही है। कौन से एरिया में रहते थे? 9 नंबर पे। आप? भाई किशनबाग में रहता हूँ। यहाँ पे केक भी काटे, यहाँ पे केक भी काटे, ग्लोव वो ये हाथों में पहन के, ये मटर प्लानिंग के साथ करे सो है, ये पूरी प्लानिंग के साथ करे सो है मटर केस, ऐसा कुछ ला के उसको धोखे से मारे सो नहीं है, पिला के ला के केक काट के वहाँ पे केक रखे हुआ है। अब किस लोगों में शक है क्या? अभी शक तो है, अभी किसका नाम लेने से क्या फायदा है, पुलिस वाले इंक्वायरी करके पकड़ेंगे तो पता चलेगा कौन कौन है क्या है पता नहीं, शक तो है, असल मुजरिम सामने आने से मालूम होगा कौन है, जो हो गया हो। हुकूमत से इंसाफ चाहता हूँ मैं, बस कुछ भी नहीं कह सकता, जो भी था तब एक ही बेटा था हमारे को कमाने वाला, एक बेटा था 3 बेटियां, अभी हमारी 60 साल उम्र है, 62 साल उम्र है हमारी। क्या काम करता है? मैं कारपेंटर हूँ सर, इनका काम करता हूँ, कारपेंटर में ही आता हूँ। उनका नाम क्या है आपके बच्चे का? सैयद वाहिद अली, कार थी अपने पास, कार चलाता था, ये लॉकडाउन के जब से वो कार जो है ड्राइविंग करते थे आपकी, ओन थी? ओन गाड़ी थी, अपनी खुद की गाड़ी थी, चला रहे थे जी। तो कंपनियाँ पुरानी गाड़ी के चक्कर में थे हम लोग, कार दिन से फाइनेंस पे एक नई गाड़ी ले लेंगे थोड़े बन के आ जाती गाड़ी, बल्कि जो है चल रहा था, परसों आया था मेरे पास, 2-4 दिन में लेंगे बेटा ऐसा कुछ बोल के हमारा ख्याल था, ले लिए तो गाड़ी चला लिए तो चलता, अब तो हमारा हाथ नहीं होता, वहाँ की तबीयत भी ठीक नहीं है उसके, वो हिसाब से जो यही बोल रहा हूँ क्या है पता नहीं, पुलिस इंक्वायरी में क्या मालूम जी सर। आप मेरे को 5:30 बजे शाम से घर पे नहीं,
कल 5 बजे फोन करा था मैं, क्या बेटे आज नहीं आए? बोले तो नहीं मैं कल आता हूँ, बोलके बोला जरा काम से जा रहा हूँ, बोला तो दोस्तों ले लेके आके इतना काम कर दिया उसको। आपको किसकी जानिब से इत्तला मिली है क्या समाज? पुलिस वाले करे सर, पाली शरीफ पी एस से फोन आया। किसी में शक? शक तो बहुत है साहब, किस पर शक करेंगे अपन? जबरदस्ती के जो करा उन्हें सामने आएंगा ही चाहेंगा उसको पकड़ने से, उसके पीछे कौन कौन है सब आएंगे सामने, बोलने से खाली दुश्मनियाँ बढ़ जाते, फायदा कुछ भी नहीं है। हकीकत क्या है देखते हैं, 2-4 दिन में पुलिस वाले तो पता लगा लेंगे। हुकूमत से बस हम इंसाफ चाहते हैं। शुक्रिया।